मॉर्निंग गाइस, हम फाइनली रात को 1 बजे अपने डेस्टिनेशन श्रीनगर डल लेक पहुँच गए थे। अभी सुबह के 10 बज रहे हैं, अभी इस समय हम होटल में ही हैं। ये रूम का व्यू डल लेक के सामने ही है जस्ट, तो अभी आप सामने जैसे देख भी सकते हैं कि डल लेक आपको दिख रही है। इस रूम की कॉस्टिंग हमें 2000 रुपये पर नाइट पड़ी है, डबल ऑक्यूपेंसी। बाकी अभी रेडी होते हैं, फिर आगे जाके आपको मिलते हैं कि आज का प्लान क्या है। तो ये मैं सामने खड़ा हूँ डल लेक के, तो हम लोग ने शिकारा भी बुक कर ली और आज का हमारा प्लान है कि 3 से 4 घंटे घूम के पूरा डल लेक देखा जाए। बाकी 600 रुपये हम शिकारा का दे रहे हैं, जिसमें 2.5 से 3 घंटे वो घुमाएंगे, थोड़ा एक्स्ट्रा भी हो जाएगा, दिक्कत नहीं आएगी। बाकी दोस्त लोग हमारे चढ़ चुके हैं शिकारा के अंदर, हम भी चढ़ना स्टार्ट करते हैं। बाकी आगे चलिए आपको व्यूज़ दिखाता हूँ मैं, और अपने दोस्तों से मिलवाता हूँ और खुद से भी मिलवाता हूँ, तो आशा करता हूँ कि मजा आए। तो फाइनली आज हमारा पहला दिन स्टार्ट होता है। तो अभी हम हैं शिकारा राइड पे, तो 25 घंटे की आफ्टर लॉन्ग ड्राइव हम लोग यहाँ पे रात को 1 बजे पहुँचे हैं। तो हमारे साथ है सूरज साहू और दीपक भंडारी, हेलो भाई। और ये है आकाश सेना, और ये भैया है हमारे जो बोट के पार्टनर हैं। वैसे घूमे हम कहीं जगह हैं, बट कभी वीडियो बनाने का मन ऐसा करा नहीं, सोचा कि अब से वीडियो ब्लॉगिंग स्टार्ट करा जाए ताकि और लोगों को भी हेल्प मिल सके, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन और घूमने की जगह कौन कौन सी है। तो अभी हम जा रहे हैं, अभी हम कहाँ जा रहे हैं? अभी हम आपको करण सिंह का वो हाउस दिखाएंगे। अभी हम जा कबूतरखाना, अभी हम जा रहे हैं करण सिंह का हाउस देखने, कबूतरखाना। अभी कितनी दूर है वहाँ से, यहाँ से वो कितनी दूर है? अभी यहाँ पे हमें 10 मिनट लगेंगे पहुँचने में। रितिक जी, आप थोड़ा पहाड़ों की वादियाँ दिखाइए। सूरज साहब, आपको ठंड लग रही है? ठंड बहुत, अभी कावा चाय पीने का बड़ा मन कर रहा है हमारा। अब आपको चाय, कॉफी, कावा, मैगी बीच में मिलेंगे ना। आप जैसे देख सकते हैं वादी हमारी राइट हैंड साइड में, कश्मीर का आप देख सकते हैं फोटो में, बारबेक्यू पॉइंट वगैरह चल रहे हैं। ये बारबेक्यू मिलेगा आपको सीधा बोट पे, सीधा फ्रेश फिश एकदम आपको। और यहाँ पे आपको कुछ डिफरेंट डिफरेंट वेंडर मिल जाएंगे, फ्रूट चाट्स के लिए, केसर के लिए, ऑर्नामेंट्स के लिए। और ये पीछे का व्यू है यहाँ पे, अभी आगे चलते हैं और फिर आपको और। तो यहाँ पे ये 2 मैगी पॉइंट हैं, तो जहाँ पे आपको मैगी, चाय, कहवा ट्राई कर सकते हो आपको। तो अभी हम वहीं जा रहे हैं और मैगी और कहवा चाय एक बार ट्राई करके देखते हैं, फिर आपको एक्सपीरियंस बताते हैं। Thank you.
ये है मैगी पॉइंट। तो ये आपका मैगी पॉइंट है, यहाँ आपको वेज और नॉन वेज दोनों मैगी मिल जाएंगी। तो ये यहाँ का मेन्यू कार्ड है। हमें लग रहा था कि रेट बहुत ज़्यादा हाई होंगे यहाँ पे, बट इसे देख रहे रेट एकदम रीजनेबल ही है। तो हम लोग अभी इस समय कश्मीरी कहवा ट्राई कर रहे हैं, तो देखते हैं कैसा है, आपको टेस्ट बताएंगे। और अभी इसके साथ में हमने ली है वेज मैगी, तो ये दो चीज़ हमने ऑर्डर करी है। तो बस अभी कुछ ही देर में आने वाला है, रहा नहीं जा रहा है क्योंकि कहवा पहली बार ट्राई करेंगे कैसा रहता है। तो ये हमारा फाइनली कहवा आ गया है, और इस तरीके का कहवा होता है, इसके अंदर आपके ड्राई फ्रूट्स वगैरह इन्होंने डाल रखे हैं, तो एकदम पी के एकदम मस्त टेस्ट आता है इसका। तो हमने कावा और मैगी पूछ ली है, बाकी कावा का टेस्ट बहुत ज़बरदस्त था एकदम, मतलब मज़ा आ गया पी के। कश्मीर आओ तो कावा ज़रूर पीना है दोस्तों, और कोशिश करना कि यही दो जो आपके मैगी पॉइंट है यहाँ के भी एकदम मस्त कावा बनाते हैं ये। बाकी अभी हमें पता लगा कि हम लोग निकल रहे हैं अभी बोट मार्केट, तो यहाँ से 15-20 मिनट की दूरी पे है, तो वहाँ पे आपको कश्मीरी वूलन, कश्मीरी आर्किटेक्चर्स वगैरह और कुछ हैंडीक्राफ्ट की शॉप्स और ड्राई फ्रूट की शॉप्स वगैरह वहाँ पे अवेलेबल। छोटी सी मार्केट है, इसको घूमने में पूरा आधा घंटा लग जाएगा हमें, तो वो एक्सप्लोर करने जा रही है अभी। बाकी है, तब तक आप व्यू एंजॉय करिए, जैसे ही हम पहुँचते हैं तो मैं आपको बताता हूँ। तो ये यहाँ की फ्लोटिंग मार्केट है। भैया कितनी बड़ी है ये? लगभग आधा घंटा तक लग ही जाएगा चला। अच्छा, तो पूरा इसको घूमने में आधा घंटा लग जाता है। ये सब आपका यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट एक्सेसरीज क्लोथिंग आप ले सकते हो। इनका कोई डिस्कशन चल रहा है क्या लेना है क्या नहीं लेना है? सूरज क्या डिसाइड हुआ, क्या ले रहे हो तुम? अपना तो डिसाइड है जो सूप सेट। ये अभी ठक के आए हैं अभी। ये पूरा मार्केट आपको घूमने में कम से कम आधा घंटा चाहिए ही चाहिए। ये एक ड्राई फ्रूट शॉप है, यहाँ से आप कश्मीर के फ्लेवर्स आप ले सकते हो, अखरोट, किशमिश, बादाम, केसर। शॉपिंग हमारी कंप्लीट हो गई है ड्राई फ्रूट की शॉप पे, जो थोड़ा बहुत हमें लेना था। बाकी अब हम वापस होटल की तरफ जा रहे हैं, मार्केट अभी थोड़ी और बची है, तो आप जब तक आप व्यू एंजॉय करिए, बाकी मैं आगे मिलता हूँ आपको।
ब्लू वाला। तो ये दो छोटे छोटे बच्चे आ गए थे, ये लोग ब्रेसलेट ऑर्नामेंट्स वगैरह बेच रहे हैं, तो हमने लगा थोड़ा सा सामान इनसे भी लेना चाहिए, तो इसलिए हम यहाँ पे रुक गए और इनसे हमने शॉपिंग स्टार्ट कर दी। कितने का ये? 250 कर दे यार। चलो सुनो सुनो, घड़ी 250 लगाओ तो घड़ी ठीक है। चलो एक मिनट फाइनली हमने 3 घंटे में अपने शिकार राइड कंप्लीट कर लिए। मजा बहुत आया, कश्मीर को जानने का मौका मिला और भी बहुत सारी चीज़ें हमने करी। तो ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करता हूँ, बाकी आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, लाइक एंड शेयर का बटन जरूर दबाइएगा। धन्यवाद।